जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा एक्स वाई जेड में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। यह सब्जेक्ट जो चलता है यूपी पॉलिटेक्निक में ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में चलता है। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप क्या होती है या सर्पी क्या होती है, एज सिग्निफिकेंस ऑफ स्लिप, स्लिप की क्या महत्ता है और हम इसके बेसिस जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं और आपका 5 नंबर फिक्स है। तो वीडियो में लास्ट में बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को हम स्टार्टिंग हमारी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। कहने का मतलब सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या होती है उसको हम जान लेते हैं। सीधी सीधी बातों भैया आप समझिए कि जिस रोटेटिंग स्पीड से स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड गतिमान होती है। कहने का मतलब जिस रोटेटिंग स्पीड से, मतलब जिस गति से हमारी जो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह घूमती है, उसे ही कहा जाता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। इसे NS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जिस रोटेटिंग स्पीड पर थ्री फेज मशीन के स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड गतिमान होती है वह उसकी सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। कहने का मतलब इसे हम NS से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो मात्रक होता है वह रेवोल्यूशन पर मिनट या RPM होता है तथा यह फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर की पोलो की संख्या पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये समझिए जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर होता है 120 f/p, जहां पर NS हमारा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है और हमारा जो f है क्या है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है और p क्या है, हमारा पोल स्टेटर पोल की संख्या है। ये हमारा होता है सिंक्रोनस स्पीड। NS बराबर होता है 120 f/p और जो हमारा NS होता है वह क्या करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी और स्टेटर के पोल की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी कहने मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये समझिए। रोटर में जो उत्पन्न EMF वोल्टेज कहलाता है और जो वोल्टेज की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसे ही कहा जाता है हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी और इसे हम FR से FR कैपिटल स्मॉल F और स्मॉल R से डिनोट करते हैं इस प्रकार, ठीक है। जो हमारा कंडक्टर द्वारा जो हमारा EMF उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं रोटर वोल्टेज और जो रोटर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे ही कहा जाता है हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी, अर्थात रोटर फ्रीक्वेंसी को हम FR FS से, अर्थात जो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम FR से डिनोट करते हैं और FR बराबर होता है हमारा S × FS, ठीक है। जहां पर FR क्या हमारा है, रोटर फ्रीक्वेंसी है और S क्या हमारा स्लिप है, स्लिप क्या है और FS क्या हमारी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस स्लिप देखिए आसान भाषा में समझिए कि इंडक्शन मोटर में, ठीक है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड तथा रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के अंतर को सिंक्रोनस स्पीड से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है हमारा स्लिप, ठीक है, और इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह नहीं होता, मतलब स्लिप का मात्रक नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर के चुंबकीय, स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा रोटर स्पीड के अंतर को सिंक्रोनस स्पीड से भाग देने पर प्राप्त मान को स्लिप कहते हैं और इसे NS से प्रदर्शित करते हैं। NS माइनस NR / NS का जो अनुपात होता है उसे ही कहा जाता है हमारा स्लिप कहते हैं, या बोले हम स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड NS माइनस रोटर की मैग्नेटिक फील्ड NR को हम सिंक्रोनस स्पीड से भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है हमारा स्लिप और इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। स्लिप S बराबर होता है NS माइनस NR / NS, इसका जो अनुपात होता है उसे हम स्लिप कहते हैं। अगर स्लिप का मान हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम यहाँ पर 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगी, परसेंटेज स्लिप निकल आती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा NS है, ठीक है, NS बराबर क्या हमारा है, NS बराबर है स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड,
कहने का मतलब एनएच पर हमारा क्या है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसे हम एनएच कहते हैं, जो एनआर है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, और यस क्या है हमारा स्लिप। स्लिप का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है किसी इंडक्शन मोटर में या किसी इंडक्शन मोटर में, स्लिप का इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज को हम जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा गया है, सर्पी की महत्ता या सिग्निफिकेंस ऑफ स्लिप, स्लिप की क्या महत्ता होती है। सबसे पहले यहाँ पर पहली इसकी महत्ता है कि जब यह स्लिप का मान जीरो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड हमारी क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब जब यस का मान बराबर, यस बराबर जीरो होगा या जो स्लिप है, स्लिप का मान हमारा जीरो प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात क्या होता है कि जो रोटर हमारा होता है वह स्थिर अवस्था में होता है जब यस बराबर वन, ठीक है, जब स्लिप का मान वन होता है तो हमारी जो रोटर स्पीड होती है वह जीरो होती है। कहने का मतलब जब इंडक्शन मोटर में क्या होता है स्लिप के वैल्यू एक या मैक्सिमम वैल्यू एक प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है एनआर बराबर या रोटर की स्पीड हमारी जीरो होती है। कहने का मतलब उसमें रोटर हमारा ब्लॉक रहता है, अर्थात रोटर रुकी हुई स्थिर अवस्था को प्रदर्शित करता है। बराबर वन होगा तो हमारी एनआर की वैल्यू जो होगी वह जीरो होगी, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा जब हमारा यस बराबर वन और एनआर वैल्यू जीरो, मतलब रोटर स्पीड जीरो होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रोटर हमारा होता है वह स्थिर अवस्था में होता है। अगला इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब सिंक्रोनस स्पीड यस बराबर जीरो तब टीडी जो हमारा डेवलपमेंट टार्क है या स्टार्टिंग टार्क है वह जीरो होता है, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड पर उत्पन्न बलागुण शून्य होता है। कहने का मतलब जो हमारा यस मतलब जो हमारा स्लिप का मान जीरो होगा तो उस कंडीशन में यही होता है जो हमारा स्टार्टिंग टार्क मोटर की होती है या डेवलपमेंट टार्क टीडी होता है वह जीरो होता है। इसका मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड के शून्य होने पर क्या होती है, जो हमारी स्टार्टिंग टार्क होती है वह जीरो होती है, ठीक है दोस्तों। जब आर टू मतलब रोटर रेजिस्टेंस या रोटर वाइंडिंग यस, अर्थात मतलब कि जब हमारा रोटर वाइंडिंग का मान स्लिप से अधिक होगा, मतलब इस संबंध के द्वारा देखिए कि जब आर टू की वैल्यू या हमारा रोटर रेजिस्टेंस या रोटर वाइंडिंग की वैल्यू यस से बड़ी है तो इस कंडीशन में क्या होगी कि हमारी मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम टार्क उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यदि हमें इंडक्शन मोटर में क्या करना है, स्टार्टिंग टार्क का मान बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो रोटर का रेजिस्टेंस या रोटर की वाइंडिंग होती है उसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी मैक्सिमम कार टार्क या स्टार्टिंग टार्क प्राप्त होती है। और जब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड बराबर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको बताइए, क्या हमारी मोटर घूमेगी या नहीं घूमेगी उसको मैं बताने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, यहाँ पर मैंने नोट बनाया है, ठीक है। तो भैया सीधी सीधी बातों समझिए कि हमारा जो इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड जो होता है वह कभी भी बराबर नहीं होता। कहने का मतलब जो हमारा एनएस बराबर एनआर कभी कभी कंडीशन आती नहीं है, अगर कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मोटर नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा उस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, इंडक्शन मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है वह स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कभी नहीं हो सकता। यदि इंडक्शन मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड का मान शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब यदि बाई चांस हमारा क्या हो रहा है रोटर की स्पीड या इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जा रही है तो उस समय क्या होगा जो हमारा परिणामी स्पीड होगा जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा उसका मान जीरो हो जाता है, ठीक है, उसका मान जीरो हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इंडक्शन मोटर के रोटर में, ठीक है, जिससे कि इंडक्शन मोटर के रोटर में इंड्यूज ईएमएफ नहीं होगा और करंट का कोई भी प्रवाह न होने के कारण फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा जिससे कि रोटर में टार्क नहीं बनेगा। कहने का मतलब जब हमारा क्या इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी मोटर में या रोटर इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या होता है कोई भी ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा।
अगर ईएमएल उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यदि करंट फ्लो नहीं होगी तो हमारा कोई भी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा और हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी या हमारी मोटर नहीं घूमेगी सकते हैं। इस स्थिति में हम प्लस क्या करते हैं कि विंडेज लॉस, ठीक है, विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस को ज्ञात करते हैं। मतलब कि जो हमारा एनएस बराबर एनआर होगा या रोटर हमारा ब्लॉक होगा तो उस कंडीशन में बस दो ही क्या कर सकते हैं, दो ही हानियों को ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा होता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्लिप, ठीक है। स्लिप की क्या क्या महत्ता होती है अब जान लेते हैं कि इसके बेसिस में क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल को हम लगा लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, एग्जाम में दो नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम कि एक 5 हॉर्स पावर 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट वाले प्रेरण मोटर के रोटर की चाल 2880 आरपीएम है, तब हमें ज्ञात क्या करना है, ध्रुव की संख्या जिसके लिए स्टेटर कुंडल कुंडलित है और दूसरा हमारा है प्रतिशत स्लिप या परसेंटेज स्लिप को ज्ञात करना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा वैल्यू दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे यहां पर हम दिया है मोटर की पावर दिया, ठीक है, मोटर पावर दिया है यहां पर, पावर लिखने पावर बराबर 5 हॉर्स पावर, ठीक है, 5 हॉर्स पावर दिया है। दिया गया हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है, यहां पर लिखा है फ्रीक्वेंसी एफ बराबर दिया है हमारा 50 हर्ट्ज, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है वोल्टेज हमारा कि इंडक्शन मोटर में कितने वोल्टेज है, 400 वोल्टेज दिया है, ठीक है, 400 वोल्टेज लिख लेंगे यहां पर। और इसके बाद दिया है कि रोटर की चाल एनआर की वैल्यू दिया है हमारा, एनआर बराबर दिया है 2880 आरपीएम, ठीक है, आरपीएम दिया गया है। इसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि ध्रुव की संख्या के लिए स्टेटर कुंडल की कुंडली थे, मतलब हमारा पी की वैल्यू याद करनी है, स्टेटर पोल की संख्या याद करनी है और क्या करनी है हमें परसेंटेज स्लिप यस, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि हमारा एनएस बराबर, मैंने वीडियो बनाया कि बताया कि एनएस बराबर क्या होता है, 120 F/P, ठीक है। तो यहां से हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी बराबर हमारा हो जाएगा 120 F/NS, ठीक है। यहां पर हमें एनएस की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, एनएस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमारा जो रोटर स्पीड होता है उससे थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। यहां पर हमारे एनएस की वैल्यू नहीं दिया गया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे एनएस वैल्यू अधिक, हमारे एनएस वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है तो हम यह जानते हैं कि हमारे जो सिंक्रोनस स्पीड एनएस होता है वह रोटर की स्पीड से अधिक होता है। तो हम यहां पर दिया गया है एनआर बराबर 2880, तो हम मान लेंगे कि हमारा एनएस, ठीक है, एनएस हमारा कितनी है, 3000 आरपीएम है, ठीक है, मान लेंगे, क्योंकि हमारा हम इसलिए माने हैं, माने नहीं यहां पर होता ही है कि हमारा जो रोटर की स्पीड होती है, रोटर स्पीड क्या होती है, हमारी सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, इसलिए हम यहां पर मान लेंगे कि एनएच बराबर हमारा 3000 क्या है आरपीएम है। अब यहां पर फार्मूले देखते हैं, ठीक है, फार्मूले रख लेंगे पी बराबर 120 F क्या मान दिया है 50, ठीक है, अपान एनएच मान दिया है 3000 आरपीएम, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 यहां कट गया, ठीक है, कटने के बाद देखिए यहां पर 3 2 6 12, ठीक है। अब यहां से हम करने के 5 3 15 और 3 2 6, ठीक है, यहां पर पी के वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2, पी की संख्या हमारी यहां पी की वैल्यू हमारी 2 आ गई, मतलब स्टेटर पोल की संख्या हमारा 2 आ गया, मतलब पी बराबर यहां पर लिख देंगे हमारा पी बराबर 2 आ गया। अब आगे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया है, यस बराबर होता है एनएस माइनस एनआर अपान एनएस, ठीक है, इस फार्मूले में हम मान सभी को रख देते हैं, ये इंटू 100 होता है, ठीक है, बराबर, तो एनएस हमारा दिया है 3000 आरपीएम माइनस
2880 अपान करते 3000, ठीक है, ये 3000 रख दिया, ठीक है, 3000 तो हमारा आएगा इंटू रहेगा हमारा 100, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आएगा हमारा 120 अपान 3000 इंटू 100 टी ए जो कट गया यहाँ पर। अब इसके बाद इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.04 इंटू 100, ठीक है, इसलिए हमारी परसेंटेज स्लिप हमारी आएगी 4%, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज स्लिप हमारा 4 आ गया। इस प्रकार हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिए, इस पर ये हमारा आंसर आ गया। इतना आप करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 नंबर। इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर फुल लोड पर 720 आरपीएम की चाल से घूमती है, जब इसको 50 हर्ज एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तब हमें ज्ञात क्या करना है, पोल की संख्या ज्ञात करनी है, स्लिप और परसेंटेज स्लिप ज्ञात करनी है और रोटर की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ये जो जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हम दिया है क्या दिया है हमारा एनआर बराबर दिया है 720 आरपीएम, ठीक है, इसका हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू करनी है, पी का मान ज्ञात करना है, इसके बाद परसेंटेज स्लिप या परसेंटेज स्लिप का बात करना है और हमारी क्या करनी है एफआर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इन सबकी मान लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को साफ करने के लिए हमारा सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा एनएस बराबर होता है 120 एफ अपान पी, ठीक है, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए पी बराबर हमारा हो जाएगा 120 इंटू एफ अपान एनएस, ठीक है, एनएस बल्कि हमारे जो एनएस, ठीक है, जो हमारा एनएस वैल्यू है वह कितनी है 750 आरपीएम है, क्योंकि हमारा जो एनएस होता है वह एनआर की वैल्यू से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए हम यहाँ मान लेंगे कि हमारा एनएस वैल्यू 750 आरपीएम है। इस प्रकार हम पी के मान निकाल लेंगे, फॉर्म लगते हैं तो पी बराबर हो जाएगा हमारा 120 इंटू 50 अपॉन 750, ठीक है, जीरो से कट गया यहाँ पर। अब 5 एकम 5 और 50 25, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 3 5 15 3 4 12, ठीक है, फिर 5 8 40, मतलब कि हमारा पी की वैल्यू आ गई हमारी पी बराबर 8, ठीक है, मतलब हमारे स्टेटर पोल की संख्या क्या आ गई हमारी 8 आ गई है, ठीक है। अब हम अगला मान निकालते हैं, दूसरा मान हमारा क्या है, ये पहली बात प्राप्त होगी, दूसरा मान निकालना क्या है, परसेंटेज स्लिप बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, ठीक है, इसके बाद हम मान लेते हैं कि एन एस मार दिया 750 माइनस 720 अपान 750, ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20 यहाँ पर 100 रहेगा, सॉरी यहाँ पर बूढ़े में 100 रहेगा, 20 अपान 750 इंटू 100, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी परसेंटेज स्लिप क्या आएगी, जो हमारी परसेंटेज स्लिप आएगी वह परसेंटेज हमारा 0.04 आएगी, इंटू 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज स्लिप आ जाएगी 4%, यहाँ पर हमारी स्लिप की वैल्यू 4% आ गई। और हमें क्या कह रहा है कि हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर की तीसरा क्या निकालना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरा वैल्यू हमारे निकालने के लिए यहाँ पर एफ आर बराबर होता है एस इंटू एफ एस, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर एस हमारा कितना आया है, एस हमारा आया है 0.04, ठीक है, इंटू एफ एस हमारा दिया है 50 हर्ट्ज, इस प्रकार हमारी आ जाएगी ये 2 हर्ट्ज, ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो हमारा 2 हर्ट्ज आ गई, मतलब यहाँ हमारा रोटर फ्रिक्वेंसी हमारी 2 हर्ट्ज आई है, स्लिप की वैल्यू हमारी 4% आई है और हमारा पी की संख्या 8 आई है। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।